गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएस में। आज जो हम बात करने वाले हैं वह यह हमारी पांचवी वीडियो है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को लेकर के। ऑलरेडी मैंने आपको साथ चार वीडियो डिस्कस कर रखा है। जो व्यूअर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कृपया वो चारों वीडियो पहले वाला जाकर के आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो आज पांचवी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। रियल में यूपीएससी का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो पीछे के जो चार वीडियोज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे की वीडियो को समझने के लिए, आगे के जो टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन उसको समझने के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं ईश्वर की धारणा को लेकर के यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, पहला सवाल ये उठता है, यहाँ पे कुछ प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। पहला यह कि ईश्वर क्या है, और दूसरा जगत एवं मनुष्य के साथ ईश्वर का संबंध कैसा है, इस चीज़ को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, जैसे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के अलग अलग बहुत सारी धारणाएं हैं। जैसे देखोगे निरीश्वरवाद, अज्ञेयवाद, ईश्वरवाद, इसकी भी बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि ईश्वर की संख्या को लेकर के किस तरह की धारणा है, जिसमें आपको दिखेगा द्विदेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद और विक्लेश्वरवाद। उसके बाद हम देखेंगे ईश्वर और जगत के संबंध के आधार पर ईश्वर की जो भिन्न धारणाएँ हैं, जैसे तठेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, निमित्तोपादानेश्वरवाद, ईश्वरवाद। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से आप ध्यान रखना ये कि यहाँ पे इंग्लिश का जो नाम है ना उसको याद रखना, क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारे एक तरह से पर्यायवाची टाइप के नाम आपको दिखेंगे। तो हो सकते हैं आपको एक नाम याद हो दूसरा नहीं हो, और एग्जाम्स क्वेश्चन जो आए उसमें वो दूसरे नाम का उल्लेख कर रखा हो। तो यहाँ पे कोशिश ये करना कि इसके इंग्लिश का भी नाम आपको याद रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम देखते हैं। आज के सेशन में जैसे आपको मैंने बोला था, जब हम बात करें ईश्वर का, ईश्वर क्या, तो एक बात बताओ, पहला सवाल ये दिमाग में उठेगा कि ईश्वर बना कैसे। यदि मैं ईश्वर की बनने की बात करूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप बताइए मुझे कि ईश्वर कैसे बना। सोचो कैसे बना ईश्वर, कुछ दिमाग लग रहा है आपका। एक एज ए लेमैन सोचो कि ईश्वर की मैं बात करूं, आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, आप एक ईश्वर की कल्पना करते हो ना, चाहे वो निराकार है चाहे वो आकारिक है। तो अब मुझे बताइए कि जब वो निराकार है या आकारिक है तो किसी न किसी ईश्वर की बात करते हो तो कैसे ईश्वर बना। तो देखना भाई फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि कुछ लोगों का मानना था कि जब मानव आया तो उस मानव में क्या थे, बहुत सारी अज्ञानताएँ थीं, उस मानव के मस्तिष्क पटल पर अज्ञानताओं का प्रभाव ज़्यादा था। उसे नहीं पता था कि कैसे बाढ़ आती है, कैसे भूकंप आते हैं, ठीक है, कैसे आग ज्वलित हो जाती है, ये सब चीज़ें आज के मानव को तो सब पता है। आपको आज तो आपको पता है ना कि बाढ़ क्यों आती है, आज आपको पता है कि भूकंप क्यों आती है, आपको आज पता है कि सूखा क्यों पड़ती है, आपको पता है ना, आज आपको पता है कि गर्मी क्यों होती है, गर्मी क्यों पड़ती है, वर्षा क्यों होती है। लेकिन हजारों साल पहले जो मानव थे उनको इन सब चीज़ों की ज्ञान नहीं था, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञानता का अभाव था, बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई ऐसा शक्ति है, पावर है, जिस जो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मतलब कि आप देखोगे कि मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से देखोगे कि वो प्राकृतिक पर निर्भर था। प्रकृति पर निर्भर था क्यों, क्योंकि कभी ज़्यादा ठंड पड़ जाती थी, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाता था, कभी भूकंप आ गए, कभी चक्रवात जैसी घटनाएं हो गई, इस तरह की घटनाएं घटने लगती थी, जिससे मानव को प्रकृति से ना काफ़ी डर लगने लगा, डर महसूस होने लगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मानव के मन में एक तरह से एक काल्पनिक, समझ में बात को, काल्पनिक विचार आने लगते हैं। मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पिछले बहुत पहले के मानव थे, आज ना कोई चीज़ तुम्हें आसान लगती है, आज तुम देखते हो गर्मी पड़ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपका आपके दिमाग में, क्योंकि आपके नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़ा, तो आप ज्ञान के कसौटी पे हर चीज़ को तोलने लगते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं ये अंधविश्वास टाइप का है। लेकिन पहले के जो मानव है, आज से 10 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइप के जो मानव होंगे उनके पास तो ये सब नॉलेज थी नहीं। तो क्या करने लगे कि जैसे जैसे जो प्राकृतिक चीज़ें थी, तो आप देखोगे कि प्राकृतिक चीज़ों से उनमें क्या हो गया, डर पैदा होने लगा। और डर पैदा होने के कारण क्या हो गया, उनके मन में एक तरह से काल्पनिक विचारें उत्पन्न होने लगी। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप डर जाते हैं, और जब डरते हैं तो
तो फिर आपके मन में एक काल्पनिक भाव उत्पन्न होता है, और जिसी से कहोगे कि जो मानव जो थे पहले के जो मानव थे उनमें क्या हुआ कि प्रकृति से उनमें क्या हो गया, डर लगने लगी, जिससे क्या किया उन्होंने एक काल्पनिक विचार बनाया कि होश न हो, इन सारे विचारों का वो क्या करने लगे, एक मतलब निकालने लगे। देखोगे आप कि जो ये प्रकृति के जो रहस्य थे, भूकंप कैसे आती है, चक्रवात कैसे आती है, गर्मी कैसे होती है, ठंड ज़्यादा कैसे पड़ती है, इन सब रहस्यों को न समझने के कारण देखोगे जब मानव में अज्ञानता होगी तो वो क्या करेगा, प्रकृति के जो घटनाएं होंगी, प्रकृति की जो घटनाएं हैं उसको वो समझ नहीं सकेगा, ना समझ रहेगा ना उस प्रकृति की जो घटनाओं को, उसके कारण देखोगे कि वो क्या करेगा, इन सबको कहेगा कि कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई पावर है जिसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या समझने लगेगा कि ये किसी ना किसी के द्वारा क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे उसे लगा कि कोई शक्ति है जो क्या करा रही है, बारिश करा रही है, वर्षा करा रही है, कोई शक्ति है जो वर्षा करा रही है, कोई शक्ति है जो हमें गर्मी प्रदान करती है, मतलब हर चीज़ को उसने क्या किया कि एक तरह से मन काल्पनिक भावनाएं, काल्पनिक विचार बना करके उसको किसी न किसी चीज़ से जोड़ने लगेगा। आप देखोगे चाहे जितनी, चाहे आप हिंदू धर्म की बात कर लो या आप किसी और भी सभ्यताओं की, प्राचीन जो भी सभ्यताएं उसको भी देखो, उसमें भी जैसे पर्सियन हो गए, ग्रीक हो गए, उन सब में ना यही सब आधार रहा है ईश्वर की धारणा को मानने का। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, प्रकृति की जो कहते हैं ना कि बारिश हो रहा है या गर्मी पड़ रही है, ये सब जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, इसका अर्थ उन्होंने एक तरह से मानवीकरण कर दिया। क्या कर दिया उसका, मानवीकरण कर दिया। किसकी, प्रकृति की घटनाओं का मानवीकरण कर दिया। मतलब इसको कह सकते हो तुम कि मानवतावाद का रोपण कर दिया, एक तरह से मानववाद पर रोपण कर दिया। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा टोटना वगैरह, जैसे गांव में नहीं होता है कोई जो टोटना करते हैं, इस तरह की कर्मकांड की बात होने लगेगी। क्या भाई, बहुत सारा सुनोगे तुम कि बलि दिया जाता है, बकरे की बलि देते हैं तो बारिश होती है, अग्नि के लिए खुश करने के लिए कुछ बलियाँ, बलि की प्रथा चल जाएगी, कर्मकांड होने लगेगा इस तरह से। चलो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक लेमैन के भाषा में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप क्या देखते हो, मान लो कि प्रकृति का कोई रहस्य पता नहीं था पहले के मानव को, मान लो सपोज करो कि प्रकृति का कोई रहस्य का पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं होता था कि बारिश क्यों हो रही है, मालूम ही नहीं होता था कि गर्मी क्यों पड़ रही है, मालूम ही नहीं होता था भूकंप क्यों आ रहा है, चक्रवात जैसी घटनाएं उन्हें क्या पता कि क्यों चक्रवात उत्पन्न होती हैं। तो क्या किए कि सपोज करो कि बारिश हो नहीं रहा है, बारिश का मौसम होगा तभी तो बारिश होगा ना। अब इंसान जो है, पहले के मानव क्या है, एक एज अ लेमन मैं आपको भाषा में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, उसमें क्या होता है कि मान लो कि बारिश नहीं हो रही है। अब उन लोगों ने क्या किया, देखा कि एक बार बारिश हो रही है, दो बार बारिश, उनको एक पता चल गया, एक ओवरव्यू मिल गया कि इस टाइम में बारिश होती है, लेकिन सपोज करो उस समय वर्षा नहीं हुई, तो उन्हें के मन में ये काल्पनिक विचार आने लगा कि हो सकता है कि जो वर्षा का जो देवता है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमसे नाराज़ है। तब वो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया। अब लगे गाना बजाना करने, अब एक दिन बजाया, दो दिन बजाया, तीन दिन बजाया, चार दिन बजाया, ऐसे करते करते एक हफ्ते बजाया तो देखा कि बारिश होने लगी। उनके मन में ये चीज़ आ गया कि अच्छा, ऐसा है यदि हम गाएंगे बजाएंगे तो क्या होगा कि हमारा ईश्वर खुश हो जाएगा और बारिश होगी। अब उन्हें क्या पता था कि मॉनसून इस बार लेट से आया है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उन्हें तो ये नहीं पता था कि मॉनसून लेट से आया है इसलिए बारिश लेट से हुई। अब अगली बार क्या हुआ कि फिर बारिश नहीं हुई, तो उसे लगा कि अब तो फिर ईष्ट देव जो हमारे हैं, जो ईश्वर है, वो रुष्ट हो गया, गुस्सा गए, तो वो क्या करेगा कि फिर 10 दिन तक गाया बजाया और देखा कि 10 दिन के बाद भी बारिश नहीं हुआ। अब उसे लगा कि हो सकता है इस बार ज़्यादा गुस्से में आ गया, तो क्या करेगा कि फिर देखा कि कुछ आग जला लिया, ऐसा कुछ बलि वगैरह दे दिया, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं उसके आसपास हो रही हैं क्योंकि सारे लोग गा बजा रहे हैं, और देखा कि फिर बारिश हो गई 2 दिन बाद। तो उसे लगा कि नहीं, अब गाने बजाने के साथ साथ
कुछ कर पूजा पाठ इस टाइप का करेंगे या किसी की बलि देंगे तो बारिश होगी, मतलब एक तरह से एक अंधविश्वास किसी चीज़ के प्रति उनका लगा हुआ। ऐसा होता है ना, आप आम आदमी को भी देखो, आजकल के दिनों में भी आपको दिखेगा बहुत ऐसे लोग होंगे घर से निकलेंगे और बीच में से यदि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब मान लो कोई उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया, खुदा ना खास्ते कोई घटना उसके साथ घट जाती है, तो क्या सोचता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए मेरे साथ ये घटना घटी। अब अगली बार क्या होगा कि जब भी उसको बिल्ली रास्ता काटेगी तो आगे ही नहीं आएगा। एक तरह से अंधविश्वास है। दूसरी बात समझो, सपोज करो हम किसी इंसान को, होता है ना कि कहीं पे जा रहे हैं और पार्टिकुलर इंसान से मिले और हमारा काम हो जाता है, तो हमारे लिए क्या होता है कि वो इंसान मेरे लिए लक्की है, क्या भाई हम जब भी उससे मिल करके जाते हैं कोई काम के साथ, हो सकता है दो तीन बार अनफॉर्चुनेटली वैसी घटना घट जाती है, तो आपके लिए क्या, आपके मन में क्या गया, एक तरह से एक अंधविश्वास आपके मन में जड़ गया। वही हाल यहाँ पे भी होता है, ईश्वर कैसे बना उसका कॉन्सेप्ट यही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि लोगों ने क्या किया कि जब ईश्वर प्रकृति की जो द्वारा जो घटित घटनाएँ थी उसको अपनी ना समझी के कारण, ना समझने के कारण उन्होंने क्या किया, उन सब चीज़ों को एक दैवीय शक्ति से, एक पावर से जोड़ने की कोशिश की। एक काल्पनिक मात्र विचार था उनके मन का, जिसके कारण एक ईश्वर की अवधारणा उत्पन्न होती है। इस तरह से आप कह सकते हो कि ईश्वर कैसे बना, ये घटना आपको समझ में आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, अब यहाँ सवाल फ्रेंड्स ये उठता है कि एक तरफ तो देवी देवता, मान लो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, हम हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बात बताओ, हिंदुइज्म में कितने देवी देवता हैं? कहा जाता है ना 35 करोड़ देवी देवता हैं। कितने करोड़ देवी देवता हैं? 35 करोड़। एक बात बताओ, आज तो हम 125 करोड़ की जनसंख्या हैं, आज हमारा जनसंख्या कितना है? 125 करोड़ से एवं। थोड़ा सा एज्यूम करो कि 1947 में कितना जनसंख्या था, सोचो। अब बताओ, मतलब कि कह सकते हो ना कि एक आदमी पे एक भगवान, मतलब किस तरह से आप देखिए संख्याओं पे, क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया कि लोगों की अज्ञानता थी, अज्ञानता के कारण उन्होंने क्या, सुंदरता की देवी, यदि आपको सुंदर बनना है तो सुंदर बनना है तो सुंदरता की देवी आ जाएंगी, ताकतवर बना तो ताकत की देवी। इस तरह से हमने हर चीज़ को एक देवता से जोड़ा। पीपल के पेड़ में भी हमने देवता की वास मानते हैं, सर्प में भी हम देवता की वास मानते हैं। हर चीज़ को मैं हमने क्या कर दिया कि एक तरह से ईश्वर से जोड़ने की हमने क्या कर दी, कोशिश कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे सभ्यता में, ये हिंदुइज्म में भी है। आप प्राचीन सभ्यताओं में भी देखोगे ना तो वहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारे ग्रीस वगैरह का जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे भी ना तुम्हें लगभग 400-500 के आसपास देवी देवता मिलेंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हमारे ही धर्म की ऐसी बात है, तो यहाँ हमारी ही सभ्यताओं की बात है, ये दूसरे सभ्यताओं में भी मिलता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे मानव की जो नैतिकता है, जैसे जैसे आप देखोगे कि मानव को नैतिकता की समझ होती है, नैतिकता की समझ होती है, वैसे वैसे आप देखोगे देवता जो हैं वो घोर अनैतिक दिखेंगे तुम्हें, घोर अनैतिक दिखेंगे। कैसे, वो देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो युद्ध का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। अब इंद्र का आपने थोड़ा बहुत, आपने यदि नाटक सीरियल्स वगैरह देखते होगे तो आपको पता होना चाहिए, इंद्र का बारे में कहा जाता है कि हमेशा दूसरी की पत्नियों पर ही ध्यान इनका लगा रहता था। एक ऋषि ने इन्हें श्राप भी तो दिया था ना, तो अब बताओ मुझे, जब पहले वाले मानव को अपनी ज्ञान की समझ नहीं थी तो वो तो युद्ध के देवता को, इंद्र को मानने लगा। आपको पता होगा कि इंद्र और अग्नि की प्राचीन भारत में देखोगे बहुत सारा नाम रहता है, पर धीरे धीरे पशुपति और किस तरह से विष्णु आकर के रिप्लेस करते हैं और हम फिर विष्णु और शिव को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि इंद्र में, अब मान लो इंसान की, मानव की एक नैतिकता जागृत होती है, नैतिक विचार आने लगते हैं, तो देखता है क्या कि दूसरी की पत्नी, दूसरी की वस्तु पे यदि आपका ध्यान है तो अनैतिक क्रिया है, और यदि ईश्वर ही वो अनैतिक कार्य करे तो फिर यहाँ तो सवाल उठेगा ना। इंद्र के बारे में कहा जाता है कि दूसरी की पत्नी पे ध्यान रखते थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि जैसे जैसे मानव की नैतिकता,
की समझ बढ़ेगी, लेकिन उसके देवता जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, घोर अनैतिक टाइप के हो जाएंगे। तो लोग क्या कहेगा कि अब हमें धीरे धीरे क्या करना है कि देवता जो है वो इंसान को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इंसान में तो चेतना जग गई, इंसान में जो है नैतिकता आ गई, तो वो क्या करेगा, वो अपने नैतिकता के अकॉर्डिंग वो ईश्वर ढूंढेगा, तो वहाँ पे देखेगा कि सारे देवता खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बदलते चला जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि जहाँ बहुदेववाद था वहाँ से एक तरह से एक तत्ववाद की तरह एक मूवमेंट तुम्हें दिखाई देगा। एक तत्व देव के बाद के तरफ इसका एक मूवमेंट तुम्हें दिखेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा तुम्हें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बहुदेववाद को पॉलीथिज्म, ठीक है, और एक एक बात को बोलते हैं मोनोथिज्म। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, जब बहुदेववाद, डिफरेंट देवता, बहुत सारे देवता लोगों ने जैसे लोगों की नैतिकता बढ़ी, लोगों की समझ बढ़ी, लोगों के ज्ञान बढ़ा, उन्होंने कहा, देखा कि देवताओं की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और ये मूवमेंट कहाँ जाएगा, एकतत्ववाद के। एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, एकेश्वरवाद की अवधारणा दिखेगी। यहाँ पे आपको एकेश्वरवाद की अवधारणा तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, नटसेल में मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसे ध्यान में रखना। नटसेल में बात करने का मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि प्रकृतिवादी ईश्वर क्यों, क्योंकि मानव को जो प्रकृति की जो घटनाएं थी, प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटित होती थी उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने उसे ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम प्रकृतिवादी की बात करते हैं, प्रकृतिवादी ईश्वर की हम जब बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है कि हमने क्या किया कि प्रकृति की जो शक्तियाँ थीं, प्रकृति की जो शक्तियों को हम क्या करते हैं, शक्तियों का हम मानवीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब प्रकृति की शक्तियों को तुम मानवीकरण कर दोगे तो क्या होगा कि प्रकृति की जो शक्तियाँ होंगी, जो प्रकृति की शक्तियाँ होंगी वो क्या होगा, अनेक होंगी। जब प्रकृति की अनेक शक्तियाँ होंगी तो देवता क्या होंगे, देवता भी अनेक होंगे ना। जैसे सुंदरता के लिए एक अलग प्रतिमान हम बना लेंगे, ताकत के लिए एक अलग प्रतिमान बना लिया, विद्या के लिए, धन के लिए, पावर के लिए, हर चीज़ के लिए हमने अलग अलग शक्तियाँ बना ली, जल के लिए, अग्नि के लिए, हर किसी के लिए आपने क्या कर दिया, एक देवता को असाइन आप करते हो, तो अधिक देवता बनेंगे, और अधिक देवता जब बनेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या आएंगी, क्यों, क्योंकि तुमने इसका मानवीकरण कर दिया है। तो मानवीकरण के आधार पे आप देखोगे कि मानवीयकरण के आधार पे क्या होगा, मानवीयकरण में तो कुछ ना कुछ कमजोरियां है ना, तो जब तुमने ईश्वर को मानवीयकरण कर दिया तो उसके आधार पे उसमें भी कमियां आ जाएंगी, क्योंकि तुमने उसका क्या कर दिया, मानवीयकरण कर दिया। जब मानवीयकरण कर दिया तो आगे चल करके देखोगे आप क्या होगा कि नैतिकता का विकास जब होगा, जब नैतिकता का विकास होगा तो दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। पहला समस्या यह होगा कि देवता तुम्हें अब कमजोर लगेंगे, देवता कमजोर हो जाएगा, और मानव जो होगा ना सुपीरियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें नैतिक विचार आ गया। तो क्या करोगे, तुम देवता को भी सुपीरियर कहोगे ना, जो देवता होंगे, जो ईश्वर होंगे वो तो सुपीरियर होना चाहिए ना, मानव सुपर होना चाहिए, तभी तो हम देवता मानेंगे ना। मानव को यदि सपोज करो कि देवता से ज़्यादा क्वालिटी यदि मानव में आए तो फिर हम कैसे उनको देवता मानेंगे। तो हमने क्या किया कि जब देवता कमजोर होने लगे तो उनको हमने सुपीरियर बनाने की बात की। फिर क्या होता है कि मानव की भावनाएं, क्योंकि जब देवता कमजोर होंगे तो यहाँ जो मानव का जो भावना है, मानव का भावना यह है कि देवता दयालु है, देवता जो है परम शक्तिमान है, तो ऐसी घटनाएं कैसे संतुष्ट होगा जब तक कि देवता सुपीरियर ना हो। बात समझ में आ रही है, ये तो हुआ आपका पहला एरर, पहला मतलब समस्या जो इसमें उत्पन्न होगा कि मान लो कि जब मानवीयकरण कर दोगे, क्योंकि जब इंसान में एक नैतिक चेतना आएगी तो चाहेगा ना कि जो ईश्वर भी हमारा है उसमें भी वो सारे नैतिक गुण होने चाहिए। आप पर
पर धन और पर स्त्री आपके रूम आप मानव के नैतिक विचार के अकॉर्डिंग क्या है कि वो अनैतिक है और देख रहा है कि ये क्वालिटी ईश्वर में है, बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो क्या करेगा, पहली समस्या ये होगी। और दूसरी समस्या ये होगा कि देवता का आपस में संघर्ष होगा, देवताओं का आपस में संघर्ष कैसे वो देखो। आपको पता होगा श्री कृष्णा, कृष्णा आपने देखा होगा, कृष्णा सीरियल आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि इंद्र जो है जो मथुरा के ग्वाले होते हैं उनसे रुष्ट हो जाता है, तो क्या करता है, बारिश कराने लगता है। क्या कि आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो कि ईश्वर के बीच में भी एक द्वंद्व हो रही है, संघर्ष हो रही है। तो भाई जब ईश्वर के बीच में संघर्ष होगा तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनका कोई, इनका जो कंट्रोल है, इनका जो संचालन करने के लिए कोई ना कोई ईश्वर होनी चाहिए ना। तो इस तरह से दो समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। और इन समस्याओं के कारण आप देखोगे जो पहले के ईश्वर थे, जो पहले के ईश्वर की जो अवधारणा में देखोगे बहुत सारी असंगतियाँ जाती है। अब मानव से क्या होता है, कमजोर हो जाता है यहाँ पे क्या ईश्वर। तो फिर जब ईश्वर तो फिर मानव उसे कैसे ईश्वर मानेगा, वही बात है ना कि मानव से जब ईश्वर कमजोर हो जाए तो फिर हम उसे ईश्वर कैसे माने। इन्हीं सब जवालों के लिए देखोगे तो फिर एक कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की अवधारणा, व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। अब समझ में आई बात, फिर से मैं इस लाइन को आपके साथ रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, देखा आपने कि जैसे आपने, मैंने पिछले वीडियो में 2-3-4 वीडियोज जो मैंने आपको दी है, उस वीडियो में मैंने आपने बात किया था कि कैसे प्रकृतिवादी ईश्वर की धारणा की मैं बात करेंगे, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की बात करेंगे, अव्यक्तपूर्ण ईश्वर की बात करेंगे। उसी में से एक पहला चैप्टर था प्रकृतिवादी ईश्वर की। तो मैंने आपको बताया कि पहले कि ईश्वर बना कैसे, उसकी कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आपका ईश्वर जो है, पहले के लोग क्या करते थे, उनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती थी, कोई भी प्राकृतिक घटना घटती थी तो उसको वो उससे वो डरते थे, जिसके कारण उनके मन में एक काल्पनिक विचार उत्पन्न होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि जो गर्मी होती है, ये जो ठंड पड़ती है, ये जो भूकंप टाइप की झटके आते हैं, बाढ़ जो आती है, इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई ईश्वर है जो हमें इसको कंट्रोल करता है। आर यू गेटिंग मी पॉइंट। तो उसने क्या किया कि ईश्वर की प्रकृतिवादी धारणा को मानवीकरण कर दिया। अब जब मानवीकरण कर दिया तो उसमें भी बहुत सारी कमियां होने लगी, और कमियों के कारण जैसे जैसे मानव के मन में विचार आने लगे, जब वो नैतिक विचार उनमें आने लगा तो देखने लगा कि ईश्वर तो यहाँ कमजोर होते जा रहा है। और जब ईश्वर मानव से कमजोर होगा, मतलब नैतिक रूप से, तो फिर हम उसे ईश्वर कैसे मानेंगे। तो इसी में दो समस्याएं उठती है, पहला तो ईश्वर कमजोर होता है, इन्फीरियर हो जाते हैं, और दूसरा कि जो ईश्वर हैं उनमें जो कमियाँ हैं तो उनके बीच संघर्ष भी हो रही हैं, और जब संघर्ष हो रही हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक सुप्रीमियर पावर चाहिए ही चाहिए। तब आता है कॉन्सेप्ट व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं एक ईश्वरवाद। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जो मैंने चीज़ें आपको बताई है। अब देखो, थोड़ा सा मैं एक रिटेन टाइप में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इसको क्या करना, एक बार नोट्स बना लेना, और हो सके तो जो जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो या जो नोट्स तुम्हारे पास हैं, जो मैंने आपको बोले हैं कि आपके ने जहाँ से क्लासेस किया होगा उस कोचिंग का जो नोट्स होगा, थोड़ा सा ना उसको इस तरह से चेंज कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैं बताऊँ, पॉइंट बना दूँ यदि आपके लिए, कि आपको जैसे मान लो ये चैप्टर पढ़नी है तो कैसे करोगे। मैं तो यहाँ पर आपको एज ए स्टोरी टाइप का पूरा चीज़ डिस्कशन कर दे रहा हूँ, और हर चीज़ यहाँ पर मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हेडिंग पॉइंट आपको लिख करके दे दिया जाए ताकि आप इसको एक बार से रिवाइज कर सको। तो देखो कैसे बनाना नोट्स, मैं उसकी भी बात कर देता हूँ। सपोज करो मैंने चैप्टर शुरू किया ईश्वर की अवधारणा, तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे लिखना ईश्वर की अवधारणा। अब क्या करना, जब ईश्वर की अवधारणा पढ़ोगे तो पहले देखो, यदि तुम इसको यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हो, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, यदि आप इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखो तो क्या होगा, ईश्वर की सत्ता जो होगी, ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली जाएगी, स्वीकार कर ली जाए
कर ली जाए तो फिर क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला ईश्वर की अवधारणा, अब मैंने कहा कि यदि वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली जाए तो फिर क्या होगा। तो प्रश्न सवाल यहाँ यह उठेगा जिसकी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है। यदि मैं ईश्वर की धारणा की धार्मिक दृष्टिकोण की बात करूँ, यदि आप उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो सवाल उठेगा ना कि भाई ईश्वर के स्वरूप कैसा है, बताओ मुझे ईश्वर दिखता कैसा है, या स्वरूप है भी या नहीं है। तब इसी में तीन सवाल का इस सवाल का जवाब देने के लिए तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला यह ध्यान रखना है कि ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा जिसकी बात मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन में किया है, मैंने यही चीज़ आपको डिटेल किया है। दूसरा व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जिसकी बात करनी है वो ऐसे लिख लेना, निवैयक्तिक ईश्वर की अवधारणा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो ये तीनों पॉइंट को मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर की अवधारणा अब इसी को मैं डिटेल अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें तीन चीज़ें दिखना है, एक ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा और निर्व्यक्तिपूर्ण। अब देखते हैं जो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ इसी तरह से क्या करना, आप एक नोट्स बना लेना, एक पेज में आ जाएगा। और एक पेज में आएगा जब भी तुम एक बार रीडिंग करोगे ना तो तुम्हें लिखने के लिए एबल हो जाओगे, कहीं पर भी आंसर लिख सकते हो। जब हम प्रकृतिवाद ईश्वर की अवधारणा की बात करते हैं उसमें आता है जिसकी मैंने अभी आपके साथ बात की, उसमें इस तरह से पॉइंट बना लेना कि प्रकृति जो है के जो अवयव हैं, जो पार्ट हैं, अवयव हैं, को हम क्या करते हैं, ईश्वरीय शक्ति के रूप में क्या कर लेते हैं, शक्ति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही किया था ना हमने क्या किया, जो प्रकृति के घटक हैं, प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घट रही हैं, बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, लू आ गया, अकाल आ गई, हाँ, तो इन सब चीज़ों को हमने क्या किया, ईश्वर के शक्ति के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। अब हमें नहीं पता था कि सूर्य क्या है, हमें नहीं पता कि चंद्रमा क्या है, तो हमने सूर्य और चंद्रमा को भी ईश्वर का प्रतिरूप में मान लिया। जैसे उसके बाद देखोगे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं प्रकृति के अवयवों की ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्वीकार करने की, तो दो तीन पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि कैसे करके प्रकृतिवादी जो अवधारणा है वो कैसे डिस्कार्ड होती है, कैसे उसका खंडन होता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव में नैतिक विचार उत्पन्न होंगे, मानव का सोचने समझने की शक्ति जैसे जैसे डेवलप होगी, वैसे वैसे क्या होगा कि ईश्वर की धारणा भी उनकी कटेगी, और तब जा करके एक कॉन्सेप्ट वहाँ से निकलेगा, वो कॉन्सेप्ट होगा एक ईश्वरवाद, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की तरफ हम मूव करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इतने पॉइंट को आपको बस एक एक पार्ट में मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, क्योंकि इस वीडियोज़ को मुझे पता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने कभी फिलोसफी पढ़ी भी नहीं है, तो हो सकता है कि जो पहले से पढ़ रखे उनको थोड़ा सा लगेगा कि मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें करा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ ये वीडियो सबको लेकर के बनाया जा रहा है, स्पेशली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को कवर किया जाए, जो पहले फिलॉसफी पढ़ रखे हैं उनको भी पॉइंट मिल जाए, और जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हम पता नहीं किस सब्जेक्ट से रूबरू हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ पे यही होती है कि हम आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर के साथ साथ जो एडवांस है, जो आपका सिलेबस है UPSC का, हम उसकी भी बात करें। अब सवाल उठती है जो मैंने शुरुआत में ही बोला था, प्रकृतिवादी जो ईश्वर है उसको फिनिश करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को एक बार और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कहीं पे कोई शब्द मिल जाएगा आपको कि इन शब्दों का डिस्कशन हो सकता है, तुमसे कोई पूछ भी दे कि जो निरीश्वरवाद है, एथिज़म जो है, अज्ञेयवाद है, एग्नोटिज़म जो है, ईश्वरवाद थीज़म जो है, इसका मतलब क्या होता है, क्या इससे आप समझते हैं, क्या आप इसको डिटेल कर सकते हैं, या आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो
तो सबसे पहली सवाल फ्रेंड्स यही उठता है कि जो निरीश्वरवाद है उसकी बात यदि हम करें तो उसका कैसे डिस्कस करोगे, किसी को कैसे बताओगे, या आपको क्या समझ में आता है ये सब, क्योंकि ये सब से पहले आपको कभी पाला नहीं पड़ा होगा यदि आपने फिलॉसफी पहले नहीं पढ़ी है तो। जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है उन्हें तो पता है कि निरीश्वरवाद का मतलब क्या है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हिंट्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो जब हम निरीश्वरवाद की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट ना हम आपको लिख भी देते हैं कुछ शब्दों को साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए पहली बात ये जो हम निरीश्वरवाद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखना कि इसके बारे में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश का शब्द ना यहाँ पे याद रखना क्योंकि हिंदी में पता नहीं वो क्या ट्रांसलेट करें, तो थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द को याद रखना। एथिज्म कहता है जिसको हम बोलते हैं निरीश्वरवाद। तो निरीश्वरवाद में कह सकते हो तुम कि वह विचार जो ईश्वर की सत्ता संबंधी विश्वास का खंडन करता है, किसका करता है, ईश्वर का, जो ईश्वर की सत्ता संबंधी जो विश्वास है उसका खंडन करता है। क्या करता है, खंडन करता है, उसी को हम बोलते हैं निरीश्वरवाद, या उसको बोल सकते हो तुम अनिश्वरवाद। बात समझ में आ गई। जैसे एक देखो, खास करके देखोगे कि भारत में, इंडिया में, ठीक है, और पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्री की बात किया जा रहा है, पश्चिमी दुनिया की बात कर रहे हैं, दोनों ही परंपराओं में आप देखोगे कि कई ऐसे दर्शन हैं, कई ऐसे धर्म हैं जो निरीश्वरवाद में विश्वास रखता है। जैसे भारतीय दर्शन की मैं बात कर लूँ तो आप देखो चार्वाक दर्शन, चार्वाक को देख लो आप, जैन को देख लो, ठीक है, जो हीनयान बौद्ध धर्म है, हीनयानी बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन, ये सारे जो भारतीय परंपरा के हैं दर्शन, ये सारे जो भारतीय परंपरा में, ये सारे निरीश्वरवाद हैं, निरीश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर की सत्ता संबंधी विश्वास का खंडन, ईश्वर की खंडन नहीं, सत्ता की जो बात हो रही है, ईश्वर की सत्ता की संबंधी जो बात हो रही है ना, ये उसकी खंडन करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वहीं आप देख लो वेस्टर्न फिलॉसफी में बात करूं मैं, पाश्चात्य दर्शन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप दिखेगा जो सोफिस्ट दार्शनिक हैं, जो आपके सोफिस्ट दार्शनिक को देखोगे, डेमोक्रेटिक्स जो हैं उनकी मैं बात करूं तो डेमोक्रेटिक्स जो दार्शनिक है वो, ह्यूम को भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूम हो गया, ये जो, या जो जो तार्किक भाववादी हैं, तार्किक भाववादी जो हैं, सात्र को भी यहाँ पे तुम इंक्लूड कर सकते हो वेस्टर्न फिलॉसफी में, ये सारे जो दार्शनिक वो निरीश्वरवाद को स्वीकार करते हैं। आधुनिक जो मानववादी दार्शनिक ने भी देखोगे कि निरीश्वरवाद पर ही बल दिया है, जिसमें कार्ल मार्क्स को ले लो, अब कार्ल मार्क्स की भी बात कर लो यहाँ पे, कार्ल मार्क्स को भी देख लो, एक एक नाम है जिनका नाम है अगस्त कामट, ये जैसे मानववादी जो चिंतक है इनको बोला जाता है मानववादी चिंतक, इनको देख लो आप, तो आप एमएन रॉय को देख लो भाई, एमएन रॉय भी हैं, ये सारे जो हैं एक तरह से मानववादी चिंतक, और इन्होंने भी जोर किस पे दिया, निरीश्वरवाद पे दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इस टॉपिक में मैंने निरीश्वरवाद की मैं बात की कि जो ईश्वर की सत्ता के संबंधी विश्वास का खंडन करते हैं उसको हम बोलते हैं निरीश्वरवाद। अब यहाँ पे दो तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, पहला तो वो जो फर्स्ट टाइम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं ये चार्वाक कहाँ से आ गया भाई, ये जैन कौन है, बौद्ध धर्म तो सुना था, हीनयानी कौन हो गए, सांख्य दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन क्या है। तो मैं उनके लिए बता दूं ये सारे के सारे पार्ट आपके इंडियन फिलॉसफी का है, पेपर वन जब आप पढ़ोगे उसमें इन दार्शनिकों को आपको पढ़ना है। अब देखो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखोगे तो उसमें तुम्हें एक चीज़ दिखेगा, वो ना वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के आप सापेक्ष में वो क्वेश्चन पूछते हैं,
तो मेरे मुझे जहाँ भी लगेगा जो भी चीज़ इंटर रिलेटेड होगी इंडियन वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न इंडियन के साथ, या सोशो पॉलिटी में कहाँ पे इंडियन का यूज़ करना है, जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पे कि जो मानव के साथ है विश्व के साथ, देखिए यहाँ पे मैं बताया था ना गुण मनुष्य एवं विश्व से संबंध भारतीय और पश्चात दोनों में, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, ये दोनों की बात की जा रही थी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए, आपसे हो सकता है प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन कौन से निश्वरवादी है, मतलब जो ईश्वर की सत्ता का जो संबंधी जो सिद्धांत है, उस जो विश्वास है उसका वो खंडन करता है। तीन लोगों को ध्यान में रखना, यहाँ पे पढ़ना नहीं है अभी, ऐसा नहीं कि अब इंडियन फिलोसफी खोल करके अब रीडिंग मारने लगना, यहाँ पे बस ध्यान में ये रखना कि ऐसे इनके साथ भी तुलना हमें करनी है। तो जब हम इंडियन भी पढ़ लेंगे और जब हम वेस्टर्न भी पढ़ लेंगे, पेपर यूपीएससी का पेपर तो ऐसा है नहीं कि आज तुम दे रहे हो, यूपीएससी का पेपर कब होगा, जब तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाएगा, जब मेंस का एग्जाम होगा तभी होगा ना, तब तक क्या होगा कि तुमने सारे सिलेबस तो पढ़ रखे हैं, अब जब सारा पढ़ रखा है तब वो कहीं से वो कंपेरेटिवली वो कंपेयर करा ले या किसी के साथ तुलना करवा ले, तो उस समय आप एबल रहोगे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आर यू गेटिंग मी पॉइंट? चलिए दूसरा जो टर्म था वो फ्रेंड यह था अज्ञेयवाद, जिसकी हम बात करते हैं कि अज्ञेयवाद क्या होता है। देखो अज्ञेयवाद जिसको बोलते हैं एग्नोटिज्म, देखो अज्ञेयवाद वह विचार है जिसके अनुसार ईश्वर की जो सत्ता का ज्ञान है ना, ध्यान रखना ईश्वर की सत्ता का ज्ञान, मैं लिख दे रहा हूं ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय क्षमताओं से परे है, मानवीय क्षमताओं से परे है। एक एक लाइन में बस कोड दिमाग में याद रखना, एक एक शब्द में क्लियर रहेगा, कहीं भी आंख मूंद करके भी तुमसे कोई पूछे बताओ अज्ञेयवाद क्या है, सिंपल सा एक लाइन में, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय क्षमताओं से परे है। ईश्वर का ज्ञान हमें मानव को नहीं हो सकता, यह हमारी क्षमता से ऊपर का चीज है, ये कहता है अज्ञेयवाद। समझ में आ रही है? अस्तित्व को लेकर के ना, अस्तित्व को लेकर संबंध में जो ईश्वर की अवधारणा है उसी का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि अज्ञेयवाद वह विचार है जिसके अनुसार ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय क्षमताओं से क्या है, परे। मतलब कि मनुष्य अपने अनुभव से, ध्यान रखना यहाँ पे ध्यान से सुनना, मनुष्य अपने अनुभव से और बुद्धि से न तो ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के न तो अस्तित्व को, अस्तित्व को जान सकता है और न ही नास्तित्व को, उसका अस्तित्व है ही उसको भी नहीं जान सकता और उसका अस्तित्व नहीं है उसको भी वो नहीं जान सकता, इतना इंसान में क्षमता नहीं है, क्योंकि मानवीय क्षमताओं के परे है ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना। समझ में आएगी बात? इस विचार का ये जो थॉट है आप देखोगे, एक फिलोसोफर है उनका नाम है कांट, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कांट। कांट की एक बुक है उसका नाम है फ्रेंड्स क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, कांट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध बुद्धि की समीक्षा, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं शुद्ध बुद्धि की समीक्षा। इसमें इसने कहा कि जो इसने अपना ये विचार रखा कांट ने, यह विचार जो है कि ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान मानवीय क्षमताओं से परे है, इसका विचार कांट ने इस बुक में लिखा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। वहीं देखोगे एक कंटेम्परेरी फिलोसोफर हैं दार्शनिक, समकालीन दार्शनिक है जिनका नाम विलियम जेम्स, उनका नाम है विलियम जेम्स। देखो इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि वास्तविक रूप से अज्ञेयवाद की ही ठीक विचार है,
मतलब वो कहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि यज्ञवाद है, उसका जो विचार है वो ठीक है, किंतु किंतु धार्मिक संतुष्टि की व्यवहारिक उपयोगिता को देखते हुए उसने ईश्वरवाद के महत्व को दिया। मतलब व्यवहारिक उपयोगिता, ध्यान से रखना यहाँ शब्द क्या है, व्यवहारिक उपयोगिता। यदि व्यवहारिक उपयोगिता को देखोगे तो ईश्वरवाद का महत्व दिया है, समझ में आई बात। तो इसी तरह से आप देखोगे कि क्या अज्ञेयवाद है, क्या हमें निरीश्वरवाद है। एक सिद्ध और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वो है ईश्वरवाद। पहले जो स्लाइड में था उसमें मैंने तीन चीजें दी थी, पहला दिया था मैंने आपको निरीश्वरवाद, अज्ञेयवाद, निरीश्वरवाद मैंने आपको बताया, अज्ञेयवाद मैंने आपको बताया, अगला शब्द मैं बता रहा हूँ ईश्वरवाद। अब देखो ईश्वरवाद में क्या करना, इसमें कहा जाता है, एक जनरल व्यूज बता रहा हूँ मैं, जनरल अर्थ में समझो इसको, ईश्वरवाद वह विचार है जिसके अनुसार ईश्वर की जो वास्तविक सत्ता है, ठीक है, ईश्वरवाद वह विचार है जिसके अनुसार ईश्वर की क्या है, वास्तविक, रियल वास्तविक सत्ता है। और यह धारणा तुम देखोगे कि सार अधिकतर धर्म, अधिकांश धर्म की मैं बात करूं, चाहे वो ईसाई हो, ईसाइयत हो, इस्लाम हो, ठीक है, हिंदुइज्म हो, इन सब जगह ना इसको एक्सेप्ट किया गया है। खास करके भारतीय दर्शन की मैं बात करूं, मैं इंडियन फिलॉसफी की मैं बात करूं, उसमें देखोगे न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत, इन सब उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं जैसे इस्लाम का एग्जांपल, ईश्वर इस्लाम में ईश्वर की सत्ता है लेकिन अकारिक है ना, कोई आकार नहीं है लेकिन है, तो बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया इन सारे देखोगे वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी। वहीं आप देखोगे पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, स्पिनोजा हो गए, डिकार्ट हो गए, लाइबनीज हो गए, बर्कले हो गए, इन सबों ने भी ईश्वर की सत्ता को क्या क्या माना है। तो इस तरह से एक पाठ हमारा कंप्लीट होता है ईश्वर की प्रकृतिवादी धारणा को लेकर के। इसमें तीन पार्ट था, व्यक्तित्व ईश्वर की बात करेंगे, निर्व्यक्ति ईश्वर की बात करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 1.5 पे फिनिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पिछले सेशन की तरह ही है ये भी, बस ये है अंतर कि पिछले सेशन में हम ये देखे थे कि कैसे जो टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में उसको इंटर रिलेट कैसे था, इसके फिलॉसफी ऑफ रिलीजन स्टार्ट करने से पहले किस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी थे, कुछ तरह की जो शब्दावलियाँ थी वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और आज हमने प्योर जो UPSC का सिलेबस है उसको हमने स्टार्ट किया। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि मान लो नोशन ऑफ गॉड्स पढ़ रहे हो तो उसको किस तरह से एक फ्लो चार्ट की तरह अपना एक नोट्स बनाओगे और उसको रिवीजन कर लो ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है या किसी पॉइंट को लेकर के कोई डाउट होता है तो आप फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शंस में आप हमसे पूछिए, टेलीग्राम चैनल्स पे पूछना चाहते हैं आप वहाँ भी पूछिए, मुझे जैसे भी समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस को 100% उसका रिप्लाई रिवर्ट करूँगा, आपको आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो विंडो इस पॉइंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कमिंग वीडियोज़ में इसके आगे के लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं, तो स्टे ट्यून रहने ये बुल्लू आई इसके साथ। और यदि आपको ये सेशन थोड़ा बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और स्टे होम, टेक केयर, और लास्टली यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।